तो हम क्या कह रहे थे कि जब ये ऑन ऑफ कंडीशन जी होता है, सर। टेलीफोन का सर्किट है वो आपका क्या रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहता है उस समय। इस लाइन के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी जो दो तारे आ रही है एक्सचेंज से आपके घर तक, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो करंट नहीं फ्लो होगा, हमने बताया कि जो ओपन सर्किट होगा, नहीं करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओपन, तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा कि जब हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ यानी हैंडसेट को उठा लेते हैं इसके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टेलीफोन का सर्किट है वो आपका इस, यानी कि जो आपका जो टेलीफोन का जो सर्किट है वो, जो ये दो तारे हैं जो लोकल लूप है इससे कनेक्ट हो जाते हैं, कुल मिला के लूप बन जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना, इन ऑफ कंडीशन करंट फ्लो इन द लाइन, जबकि ऑन ऑफ कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि टेलीफोन का सर्किट लाइन से कनेक्ट डिस्कनेक्टेड रहता है, ओपन सर्किट रहता है ये, ठीक है। ओपन लूप नहीं मिलता उसको, तो जब लूप नहीं मिलेगा तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, एक्सचेंज सेंसेस द कंडीशन ऑफ द सब्सक्राइबर टेलीफोन बाय द करंट फ्लोइंग इन द लाइन। तो जो एक्सचेंज है आपका, देखिए एक्सचेंज टेनिस, हमने आपको टेलीफोन एक्सचेंज पढ़ा दिया क्या? टेलीफोन एक्सचेंज नहीं होती सर, नहीं है? सर, नहीं पढ़ाया, नहीं नहीं सर, पढ़ाया सर, ओके ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक पढ़ाया। है, ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए टेलीफोन एक्सचेंज में, देखिए मैंने क्या बताया था, टेलीफोन एक्सचेंज का एक मेन काम है वो क्या, आपका स्विचिंग, जो मैंने अभी बताया। स्विचिंग का मतलब है दो सब्सक्राइबर के बीच में टेम्परेरी पाथ बनाना, ओके। इसके अलावा जो दूसरा जो मेन फंक्शन है टेलीफोन एक्सचेंज का, वो है आपका सिग्नलिंग। वो क्या, आपका सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग को आप ऐसे मान के चलिए, देखिए समझने की कोशिश करिए, दो इक्विपमेंट या दो उपकरण जिस भाषा में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नलिंग, ठीक है। तो देखिए सिग्नलिंग में क्या होता है, सिग्नलिंग में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है पहली बात, लेकिन जो ये सूचना है इसको कौन समझता है, वो केवल इक्विपमेंट समझते हैं, और जिस भाषा में ये आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा भी क्या है, इक्विपमेंट ही समझते हैं, हम नहीं समझते उसको। जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी में बोल रहा हूँ और आप हिंदी समझते हैं, तो क्या हम क्या, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो इक्विपमेंट है आपस में, इक्विपमेंट भी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिस भाषा में वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम कहते हैं सिग्नलिंग, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि एक्सचेंज से जो दो तारे आपके घर पे आई, तो होता क्या है, पूरी कहानी बताते हैं हल्का सा, कि जैसे आपका मान लेते हैं कि जो आपका टेलीफोन है ऑन हो गया है, ठीक है, ऑन हो गया है, तो क्या होगा, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज बताते हैं आपको कि जो एक्सचेंज है वो आपके जो ये जो लोकल लूप है, आपके जो लाइन आ रही है, इसको क्या करता है, या ये कह लीजिए एक्सचेंज से जितने भी लाइनें कनेक्टेड होंगी उनको क्या करता है, लगातार स्कैन करता रहता है, लगातार उनका स्टेटस देखता रहता है, ठीक है। क्या स्टेटस देखता है या क्या देखता है, कि इस लाइन पे कोई घटना घटित हुई या नहीं हुई, कोई घटना घटित हुई या नहीं हुई, ठीक है। घटना किसे कहेंगे हम, घटना का मतलब है किसी भी प्रकार का बदलाव होना। जैसा मान लेता आपकी टेबल है, टेबल पे एक गिलास आपने रखा है, एक जगह पे आपने रखा है गिलास, ठीक है। अब ये गिलास मान लेते हैं 10 सालों तक तो यहीं पड़ा है, ठीक है। तो कोई अगर इस टेबल को अगर ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो कहेगा कि इसके अंदर कोई घटना घटित अच्छा नहीं हुई। चलते हैं, बोले, ठीक है। और अगर कोई आकर इस गिलास को अगर एक जगह से उठा के दूसरी पोजिशन पे रख देता है, तो हम कहेंगे कि ये घटना घटित हो गई, ठीक है। घटना का मतलब किसी प्रकार का बदलाव होना। तो अब देखिए हमने क्या बताया, जो एक्सचेंज है वो क्या करता है, आपकी जो सब्सक्राइबर लाइन है उसको लगातार स्कैन करता रहता है, उसका स्टेटस देखता रहता है, क्या देखता है कि इसमें कोई घटना घटित हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब ये ऑन ऑफ होता है, पहले ऑन ऑफ कंडीशन में आपका टेलीफोन, तो इस जो दो तारे हैं इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो मान लेते कि एक्सचेंज ने स्कैन कर रहा है इसको, इसने देखा कि इस लाइन पे, तो मान लेते आपका टेलीफोन हमारा 300 है, उससे एक नंबर लाइन से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर उसने फिर स्कैन किया, फिर देखा कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर स्कैन किया, फिर उसने देखा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कोई घटना घटित नहीं हो रही है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद तो 301 का जो सब्सक्राइबर है
इसको क्या करना है, बातचीत करनी है। किससे बातचीत करनी है? इसी टेलीफोन से जुड़े हुए किसी दूसरे सब्सक्राइबर से जिसका टेलीफोन नंबर है 310, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो हैंडसेट है वो उठाएगा। जैसे वो हैंडसेट उठाएगा तो क्या होगा, आपका ये टेलीफोन का सर्किट है वो लाइन पे आ जाएगा, इसको लूप बन जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। जो दो तारे हैं एक्सचेंज से आपके घर तक जो आ रही है, इसके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कि पहले जब एक्सचेंज ने स्कैन किया इसको तब तो करंट फ्लो हो नहीं रहा था, लेकिन अब करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। यानी कि उसके नजर में, एक्सचेंज के नजर में यहाँ पर घटना घटित हो गई है। और जो ये घटना घटित हुई है इसके लिए, एक्सचेंज के लिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो सब्सक्राइबर है इसको मेरी सर्विस चाहिए। देखिए, आप टेलीफोन हैंडसेट कब उठाते हो, जब आपको किसी से बातचीत करनी हो, यानी कि आपको टेलीफोन एक्सचेंज की सर्विस चाहिए हो, ठीक है। और आपको सर्विस कब चाहिए, ये किस चीज से पता लगता है एक्सचेंज को, कि जब इन दो तारों के अंदर से करंट बहने लग जाता है, जब सब्सक्राइबर हैंडसेट उठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब करंट फ्लो हो रहा है। इस भाषा को कौन समझता है, एक्सचेंज समझता है। और जो ये भाषा है, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए एक्सचेंज क्या समझता है इसको, इसको ये समझता है कि जो सब्सक्राइबर नंबर 301 है इसको मेरी सर्विस की जरूरत है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब इसको सर्विस की जरूरत है 301 को, तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा एक्सचेंज कि ये इस सर्विस के लिए ऑथराइज है या नहीं, इसको ये सर्विस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो फिर खैर बहुत ही कम समय में ये चेक कर लेगा, मान लेता है कि सर्विस दी जा सकती है। तो ये क्या करेगा कि जो ये एक्सचेंज क्या करेगा कि जो 301 सब्सक्राइबर है इसको क्या देगा, आपका डायल टोन, आपको क्या मिलेगी, डायल टोन, ठीक है। तो ये डायल टोन है, डायल टोन इस सब्सक्राइबर के लिए, इस टेलीफोन इक्विपमेंट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्सचेंज आपको सर्विस देने के लिए तैयार है, ठीक है, ओके। फिर जब इसको पता चल जाएगा सब्सक्राइबर को ये सर्विस देने के लिए तैयार है, तो ये क्या काम करेगा, नंबर डायल करेगा। किसका नंबर डायल करेगा, 310 का। तो इसने डायल किया 310, ये जो सिग्नल जा रहे हैं दो लाइनों के ऊपर एक्सचेंज की तरफ, ये एक्सचेंज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो जो ये सब्सक्राइबर 301 है इसको किससे बातचीत करनी है, 310 से बातचीत करनी है, ठीक है। फिर सब्सक्राइबर एक्सचेंज क्या करेगा, पहले ये चेक करेगा कि जो 310 है ये सब्सक्राइबर जो फ्री है या बिजी है। अगर ये बिजी होगा, मान लेते हैं 310 मान लेते हैं किसी दूसरे से बातचीत कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, बिजी। तो ये बिजी मिलेगा तो ये क्या काम करेगा, एक्सचेंज 301 को क्या कर देगा, बिजी टोन दे देगा। क्या देगा, बिजी टोन। बिजी टोन एक्सचेंज के द्वारा जो बिजी टोन दी गई इस इक्विपमेंट को, इसके लिए इसका क्या मतलब है कि जिससे आपने बातचीत करनी है वो सब्सक्राइबर क्या आपका बिजी है। देखा कि मान लेते हैं कि 310 अगर फ्री होता तो एक्सचेंज क्या काम करता है, 310 को क्या देता है, रिंगिंग सिग्नल देता है। क्या देता है आपका, रिंगिंग सिग्नल, यानी इसको घंटी देता है, ठीक है। और घंटी देता है ठीक उसी समय, एक्सचेंज 301 को क्या देता है, आरबीटी, आरबीटी मतलब रिंग बैक टोन। रिंग बैक टोन क्या इंफॉर्मेशन है कि जो 301 जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं वहां पे घंटी जा रही है। और मान लेते हैं कि 310 का हैंडसेट उठा लेता है, मान लेते हैं, तो एक्सचेंज क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक टेम्पररी पाथ बना देता है। टेम्पररी पाथ बना देता है, तो उसके बाद दोनों सब्सक्राइबर के बीच में आपस में बातचीत हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। अभी जो टेम्पररी पाथ बनने से पहले जो भी घटना घटित हुई, जो भी सिग्नल गए, जो सब्सक्राइबर एक्सचेंज के बीच में जो भी आपके जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, आपका सिग्नलिंग। वो क्या कहलाएगी, आपकी सिग्नलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो 48 वोल्ट डीसी आपके एक्सचेंज से आपके टेलीफोन तक आती है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है। नंबर एक देखें कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, पड़ती है, डीसी सप्लाई चाहिए उसको। तो एक्सचेंज कहता है कि डीसी सप्लाई हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, यानी हम जो टेलीफोन है पुश बटन टेलीफोन है उसमें कोई डीसी सप्लाई हम कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो पावर सप्लाई कौन प्रोवाइड कर देते हैं, वो टेलीफोन एक्सचेंज प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा जो 48 वोल्ट डीसी है वो क्या है, आपकी सिग्नलिंग के काम भी आती है, ठीक है। वोल्टेज होगी तभी आपका इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, वोल्टेज तो कहेगा करंट, ठीक है। और फिर करंट को वो सेंस करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ये है आपका
ऑन ऑफ और ऑफ कंडीशन के बारे में। इसके अलावा हम एक बात और बता दें अभी आपको यहीं पे जस्ट, कि जब हम कहते हैं कि ऑन ऑफ कंडीशन में आपका जो टेलीफोन का सर्किट है वो लाइन से डिस्कनेक्टेड होता है, ओपन होता है, लेकिन उस समय क्या होता है, उस समय भी क्या होता है कि जो टेलीफोन में क्या होता है, एक रिंगर सर्किट होता है, क्या होता है आपका रिंगर सर्किट, वो रिंगर सर्किट इस लाइन से कनेक्टेड होता है, जो रिंगर सर्किट है वो क्या होगा इस लाइन से कनेक्टेड होता है। लेकिन हम एक, हम ये भी कह सकते हैं कि माना कि वो लाइन से कनेक्टेड होता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है लाइन से डिसकनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है लेकिन फिर भी डिसकनेक्टेड होता है। डिस्कनेक्ट हम इस सेंस में कहेंगे, देखें होता क्या है कि जो रिंगर सर्किट है जो लाइन से कनेक्ट है, ये जो रिंगर सर्किट होता है उसके एक सीरीज में क्या होता है आपका एक कंडेंसर लगा होता है, क्या लगाता है कंडेंसर, और फिर आगे रिंगर सर्किट होता है उसके, और कंडेंसर अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो अगर डीसी सप्लाई आ भी रही है तब भी इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि उस लाइन के लिए तो एक ऐसे ये ओपन ही है, और जो रिंगिंग सिग्नल है आपका, रिंगिंग सिग्नल जो घंटी आती है आपको उसके वोल्टेज कितनी होती है 75 वोल्ट एसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है लगभग 25 हर्ट्ज के करीब, कहीं 16 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज ऐसे करके, ठीक है अलग अलग है थोड़ा सा, ठीक है लेकिन इसी रेंज में होती है 16 25 20 के करीब। तो मान लेते हैं कि जो आपका एक्सचेंज है वो जो रिंगिंग सिग्नल है वो कितने 75 वोल्ट एसी और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज। तो क्या होता है ये कंडेंसर क्या काम करता है, आपको पता है कि जो कंडेंसर है वो एसी को तो पास कर देगा लेकिन डीसी को रोक देगा, तो जो 75 वोल्ट एसी आते हैं वो तो इस कंडेंसर पास होते रिंगर सर्किट में चली जाती है ऑन ऑफ कंडीशन में भी, ठीक है आपकी घंटी बच जाएगी, लेकिन आपका डीसी के लिए ये एज ए ओपन सर्किट ही होगा, जब डीसी सप्लाई आएगी तो ये जो आपके दो तारे हैं जैसे आपके घर तक जो तारे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं टेनिस। अच्छा टेनिस टाइम बता देना, जब 10:15 के करीब हो जाए तो आप टाइम बता देना, ठीक है। और आपके क्या नाम है, गगन जी, गगन दीदी या कोई और आपका पार्टिसिपेंट है ना, देखिए पार्टिसिपेंट अभी भी 20 हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए देखिए जो अभी तक पढ़ाया गया वो समझ में आया है या इसके बारे में कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो सर आगे समझ। ओके अच्छा, इसके अलावा देखिए जो डायलिंग है, हम जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से जो हम डायलिंग करते हैं वो डायलिंग कौन सी आपके दो प्रकार की, नंबर एक टोन डायलिंग, दूसरा आपका पल्स डायलिंग, ठीक है। तो देखिये जो टोन डायलिंग है, टोन डायलिंग में पहले बताते हैं, टोन डायलिंग में क्या होता है कि जो आपका जो कंट्रोल इक्विपमेंट वगैरह जैसे होते हैं डीटीएम में आपका इस्तेमाल करते हैं ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी, तो टोन डायलिंग में जब भी हम कोई बटन प्रेस करते हैं जैसे एक नंबर बटन प्रेस किया तो लाइन पे मतलब टेलीफोन एक्सचेंज से जो आपके घर तक जो दो तारे आ रहे हैं इस पे आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से एक्सचेंज की तरफ आपकी क्या जाती है एक साथ दो टोन चली जाती है, ठीक है। और जब आपने कोई दूसरा बटन दबाया, ठीक है, तब भी दो टोन जाएंगी, लेकिन जो पहले वाली टोन का जो पेयर होगा, जो सेकंड वाली टोन का पेयर होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है। ये तो है टोन डायलिंग, और टोन डायलिंग कैसे होती है, एकदम फास्ट होती है, जबकि जो पल्स डायलिंग है, पल्स डायलिंग क्या होती है, देखिए पल्स डायलिंग चलो बताते हैं सीधा सीधा, पल्स डायलिंग में क्या होता है कि जो आपका ये लूप है, यानी आपके घर से दो तारे आ रही हैं, जो ये लूप है आपका ये, ठीक है, ये लूप मेक ब्रेक होता है, ये क्या होगा आपका जो लूप है वो मेक ब्रेक होगा, उस समय कोई टोन नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं जाएगी, लेकिन जो एक्सचेंज है तो ये लूप मेक ब्रेक हो रहा है इसको ये समझते हैं। जैसे मान लेते आपने 0 डायल किया, ठीक है, तो ये 10 बार आपका जो लूप है मेक होगा ब्रेक होगा मेक होगा ब्रेक होगा, ठीक है, और इसको एक्सचेंज समझ जाता है कि इसने क्या, इसका मतलब 10 बार हुआ था इसका मतलब इसने 0 डायल किया, अगर मान लेते कि 9 बार मेक ब्रेक होता है तो इसका मतलब कि जो सब्सक्राइबर है उसने 9 डायल किया, ठीक है। और जो आपका देखिए पढ़ लेते हैं, इन पल्स डायलिंग द लूप इज इंटरप्टेड टू द एक्सचेंज, बीच में मेक ब्रेक होता है, द नंबर ऑफ इंटरप्शंस कोरिस्पोंड टू द डिजिट डायल, नंबर ऑफ इंटरप्शन पर सेकंड इज डिनोटेड एज इंपल्स पर सेकंड IPS, IPS का पूरा नाम क्या है, इंपल्स पर सेकंड, एक सेकंड में आपने कितने इंपल्स
या कितने डिजिट आप डायल कर पाते हो। नॉर्मल स्पीड ऑफ डायल इज 10 इम्पल्स पर सेकंड। नॉर्मली जो स्पीड होते हैं वो कितने होते हैं 10 इम्पल्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर आप 10 इम्पल्स आप सेंड कर देते हो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो पल्स डायलिंग है वो थोड़ी स्लो होती है और जो टोन डायलिंग है आपकी वो थोड़ा फास्ट होती है। अगर आप टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसके पीछे एक बटन होता है छोटा सा, ठीक है, स्लाइडिंग स्विच सा होता है। और एक जगह लिखा होता है टी, एक जगह लिखा होता है पी, और टी की जगह तरफ कर दोगे स्विच को, स्लाइडिंग स्विच को, तो इसका क्या आप टोन डायलिंग मोड में हो। अगर आपने नीचे पी साइड की तरफ कर दिया तो एक आपका पल्स डायलिंग, ठीक है, आपका जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है समय पीछे एक स्विच होगा टोन डायलिंग या पल्स डायलिंग को सिलेक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर लाइन, द लाइन कनेक्टिंग सब्सक्राइबर परमिशंस टू द एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज से जो आपके घर तक जो दो तारे आ रही है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर लाइन कह लीजिए या लोकल लूप कह लीजिए। और ये कौन सी होती है, इट इज ऑफ टू वायर्स, इसमें ये दो तारे होती है, केवल केवल दो तारे होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द हो रहा है आपका ट्रंक। देखिये इसके अलावा एक चीज और हम आपको बता दें यहाँ पे कि कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि जो अकेला हो। अकेले का मतलब वो किसी दूसरे एक्सचेंज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना कनेक्टेड हो। नॉर्मली क्या है कि कोई भी जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो किसी दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, और ये दूसरा टेलीफोन जो एक्सचेंज है वो किसी और से कनेक्ट होगा, ठीक है, और से फिर घूमते फिरते पहले वाले एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाए। तो कुल मिला के जितने भी पहली बार कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज अकेला नहीं होगा, वो किसी दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, ठीक है। और इस प्रकार से जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज है आपस में कनेक्टेड होंगे और ये क्या बन जाता है, एक टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क बन जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क। टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क में क्या होगा, सभी टेलीफोन एक्सचेंज आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एक टेलीफोन एक्सचेंज दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से जिस सर्किट के द्वारा कनेक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक सर्किट, ठीक है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा तो टेलीफोन एक्सचेंज से क्या कनेक्ट होते हैं, या तो लोकल सब्सक्राइबर कहेंगे, लोकल सब्सक्राइबर, या फिर क्या होता है, ट्रंक सर्किट कनेक्टेड होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। टेलीफोन एक्सचेंज है या तो लोकल सब्सक्राइबर कनेक्टेड होगा उससे या फिर ट्रंक सर्किट कनेक्टेड होगा। और जो ट्रंक सर्किट है नॉर्मली क्या होता है, टू वायर भी होते हैं, फोर वायर भी होता है, सिक्स वायर भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का ट्रंक सर्किट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द है साइड टोन। साइड टोन आपने सभी सुनी होगी, ठीक है। साइड टोन क्या होती है कि जब भी हम बोलते हैं, जब हम टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट है बोलेंगे जो आवाज कहाँ जाएगी, ट्रांसमीटर से उसका सामना होगा, ट्रांसमीटर ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में बदल के भेज देगा। लेकिन इसका कुछ पोर्शन क्या है आपका, जो रिसीवर, जो हमारे जो टेलीफोन का हैंडसेट है, ठीक है, उसके रिसीवर में चली जाती है और हमें सुनाई देते हैं जो हम बोल रहे हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है, साइकोलॉजिकल होता है कि हमारी जो आवाज है वो जा रही है, यानी यह इक्विपमेंट चाहिए। ए पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज फेड बैक टू द रिसीवर एट लो एम्पलीट्यूड लेवल, ठीक है, यानी जो हम सिग्नल भेज रहे हैं उसका कुछ भाग जिसका सिग्नल का लेवल बहुत ही कम होगा वो वापस हमारे रिसीवर में पहुंच जाते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द यूजर स्पीड इज बीइंग ट्रांसमिटेड, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी स्पीच जा रही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हमें साइकोलॉजिकल वो हो कि पता नहीं जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है सिस्टम या खराब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है, ऐसा कुछ। आगे चलते हैं सर। टाइम हो गया, टाइम ऊपर हो गया, 10:20 हो गए। 10:20 जी सर, ठीक जी सर, 10:20 हो गए। तो फिर आज के लिए क्लास इतने ही, ठीक है ना। लेकिन हेलो टेनिस, कल अगले पीरियड से कोशिश करना कि टाइम पे जुड़ जाओ, ठीक है ना। आज तो थोड़ा शुरू में ज्यादा टाइम लग गया, पहला था सर, ऑफिस का टाइम भी यही रहता है तो पहुंचने रहता है, इसलिए सर लेट हो गया थोड़ा। इसके बारे में तो आप सीआईसी टेली से बात कर सकते हैं, मिस्टर नंदकिशोर से संपर्क कीजिए, अगर वो टाइम कराना चाहते हैं तो बाकी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और गगनदीप जी, ये आप वो भेज देना जो ग्रुप है उसमें भेज देना जो आपने खींचा है वो स्लाइड शो,
पार्टिसिपेंट की।